बिहार में बहुत सारे ऐसे ही किसान हैं जिनके पास 5,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, 7,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, 3,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, 2,000 स्क्वायर फीट का तालाब है। तो छोटे तालाब में आपको कौन सी मछली पालन करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कौन सी मछली का पालन आप छोटे तालाब में करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। हम इस वीडियो के माध्यम से, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि छोटा तालाब अगर आपका है तो उस छोटे से तालाब में कौन सी ऐसी मछली है जिसका फार्मिंग आप करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। और सारे लोगों को हम एक चीज़ और जानकारी देना चाहते हैं, जिनके पास बड़ा तालाब है, जिनके पास बड़ा तालाब है उनको एक नर्सरी तालाब रखना चाहिए अपने पास। छोटा तालाब अगर उनके पास है, बड़े वाले तालाब जिनके पास है उनके पास, तो उसको छोटे वाले तालाब को आप नर्सरी के यूज में यूज करें। उसमें 1 इंची का बच्चा हमसे मंगवाएं, उसमें आप 50 ग्राम से ऊपर का बना ले बच्चा नर्सरी वाले में, फिर कल्चर वाले तालाब में डालें, आपकी मछलियों का ग्रोथ काफ़ी बेहतर आने वाला है। परंतु ये तो बड़े तालाब और छोटे तालाब जिनके पास दोनों तालाब है उनके लिए बात हमने बता दी है, परंतु अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ छोटा तालाब है और एक ही तालाब है तब आप किस मछली का पालन करेंगे? हम आपको बताना चाहेंगे, छोटे तालाब में आप सिंघी मछली का पालन कर सकते हैं, आप देसी मांगुर का पालन कर सकते हैं, आप टेंगड़ी मछली एक आती है छोटी वाली, टेंगड़ी मछली का पालन कर सकते हैं, दूसरा आप हाइब्रिड मांगुर का पालन कर सकते हैं। पालन करते हैं इसलिए हम बता दिए आपको कि कर सकते हैं, ऐसे सरकार की तरफ से यह बैन किया हुआ है, आपको हाइब्रिड मांगुर का पालन नहीं करना चाहिए, ना तो छोटे तालाब में ना ही बड़े तालाब में। आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प यह है कि आप स्पॉन के टाइम में स्पॉन मंगवा लीजिए, या फिर सेमी फ्राई मंगवा लीजिए, या फिर 1 इंची का मंगवा लीजिए। जैसा कि सारे लोगों को पता है हमारा बच्चे का काम होता है कोलकाता निहाटी में, ऐसे तो हम रहने वाले बिहार के ही हैं, अनेकों लोगों को बच्चा भेज दिए हैं अभी तक। हमारा मेडिसिन का भी काम होता है बिहार हाजीपुर में, हमारा जेके फीस फीट का काम होता है बिहार हाजीपुर में, तो बच्चे का काम कोलकाता में होता है। हमसे आप स्पॉन मंगवाइए, हमसे आप 1/2 इंची का सेमी फ्राई मंगवाइए, हमसे आप 1 इंची का फ्राई साइज का बच्चा मंगवाइए जिनके पास छोटा तालाब है। और आप बच्चे को बड़ा कीजिए, आप बच्चे को बड़ा कीजिए अपने छोटे तालाब में डाल करके, और आप बच्चा बेचिए। आप 1 केजी आधा केजी साइज करने के चक्कर में मत पड़िए, आपको कभी फायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग छोटा तालाब में, नर्सरी से भी छोटा तालाब उनके पास होता है, उसमें कतला, रोहू, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड जैसे मछलियों का पालन आरंभ कर देते हैं, और बच्चा भी इतना स्टॉक कर देते हैं जिस जगह पर आपको 500 बच्चा डालना चाहिए उसमें 15,000 बच्चा आप लोग डाल देते हैं, और उसमें भी छोटे छोटे बच्चे डाल लेते हैं, तो नुकसान का सामना करना पड़ता है आपको। बिहार वाले, यूपी वाले जो भी मछली पालन करते हैं अपने मछलियों को दाना नहीं खिलाते हैं, जेके फिश फीड नहीं खिलाते हैं, या किसी भी कंपनी का दाना खिलाते नहीं है, फिर भी आप लोग बताते हैं कि हमको नुकसान हो रहा है, आपकी मछली बढ़ती ही नहीं है। तो पहला नंबर तो है कि आप दाना खिलाते नहीं है, भैया मछली बढ़ेगी कैसे आपको, और मछली पालन करने का तरीका भी आपको पता नहीं है। आपके पास छोटा तालाब है जो नर्सरी के योग्य भी नहीं है, उसमें आप बिगहेड का पालन करिएगा, उसमें आप रोहू और कतला का पालन करिएगा, तो कैसे संभव हो सकता है भाई? तो इस तरह का गलती कतई नहीं करें। अगर मछली के क्षेत्र में, मछली का व्यवसाय में आपको सफल होना है, पैसा कमाना है, और आपके पास एक छोटा सा तालाब है, तो आप बच्चे हमसे मंगवाइए दिए हुए नंबर पे कॉल करके। उसमें बच्चे को आप बड़ा करिए 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम का, और उस बच्चे को बेच करके आपके आसपास वाले वो अनेकों तालाब वाले होंगे जो आपसे बच्चा, बड़ा बच्चा मांगेंगे, तो उनके लिए आप बच्चा तैयार करके उनको बच्चा सेल कीजिए। फिर देखिए कि जो लोग बड़े तालाब में मछली को 1 केजी 1.5 केजी करके जितना पैसा कमाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आप कमा लेंगे एक छोटे से तालाब में, एक नर्सरी वाले तालाब से। इस तरह का काम आप करिए, न कि 1 केजी 1.5 केजी 2 केजी करने के चक्कर में आप उसमें बिगे डाल दीजिए, कतला डाल दीजिए, सिल्वर डाल दीजिए, और न जाने कौन कौन IMC मछलियाँ आप बड़ी वाली डाल देते हैं। अरे भाई साहब, आपको समझना पड़ेगा, बड़े मछलियों के लिए बड़े तालाब की आवश्यकता होती है, आप लोगों को पता नहीं है। हम बार बार वीडियो में यही रिपीट करते हैं कि जिनके पास
कम से कम हाफ एकड़ का तालाब है, वही आईएमसी का पालन अपने हाफ एकड़ वाले तालाब में करें। उसमें भी बेहतर रिजल्ट उनको नहीं मिलता है, आईएमसी का जिनके पास हाफ एकड़ का तालाब है उनको भी। कम से कम एक एकड़ का तालाब आपके पास अगर है तभी आप आईएमसी का सीड स्टॉक करिए। दिक्कत तब हो जाता है जब आपके पास छोटे तालाब है, बच्चे अनगिनत डाल देते हैं। और सबसे बड़ा गलती यह करते हैं कि आप कहते हैं कि 50 केजी हम बच्चा डाल दिए, 60 केजी डाल दिए, एक एक कुंटल डेढ़ डेढ़ कुंटल बच्चे डाल देते हैं आप लोग 10,000 स्क्वायर फीट में, 6,000 स्क्वायर फीट में। तो इस तरह से आपको नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। अब आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग आप आंध्र प्रदेश की तरफ ले जाइए, वहाँ का 15 दिन पुराना मछली हम लोग 160 रुपये 170 रुपये, कहीं कहीं 150 रुपये किलो खरीद करके बिहार में यूपी में हम लोग खाते हैं, बंगाल में खाते हैं, आंध्र प्रदेश का। वे लोग किस तरह से पालन करते हैं कि वहाँ का आने में कितना खर्च लग जाता होगा, ट्रांसपोर्टेशन कितना अधिक से अधिक आ रहा होगा, और बिहार में आकर के यूपी में आकर के वह मछली 150 रुपये किलो बिकता है। हमारी मछलियाँ रोहू कतला 200 रुपये तालाब पर से, जो मछली के छोटे व्यवसायी हैं वे तालाब पर से ले जाते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हमको नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा उस पर आप ध्यान केंद्रित करिए। धन्यवाद बच्चा मंगाने के लिए, या फिर जाल मंगवाने के लिए, या फिर किसी भी तरह का मेडिसिन मंगवाने के लिए, या जेके फिश फीड का डीलरशिप लेने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। और एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं इसलिए कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।